बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास वन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 3, वेयर वी लिव। यूनिट नंबर 3 में हमने पढ़ना है कि जहां हम रहते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम लोग कहां पे रहते हैं, लेसन नंबर हमारा 5 है, हाउसेस। यही लेक्चर नंबर आपका 1 है यूनिट नंबर 3 का, यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, उसमें हम पहले पढ़ेंगे हाउसेस के बारे में। अनम हैज़ अ हाउस फॉर हर डॉल। ये देखिए, अनम को डॉल के लिए उसके पास एक घर है, हेयर इट इज़। ठीक है, वी ऑल नीड अ प्लेस टू लिव इन। हम सबको एक जगह की ज़रूरत होती है जहाँ हम रह सकें। ठीक है, द प्लेस वेयर वी लिव इज़ कॉल्ड आर होम। ऐसी जगह जहाँ हम रहते हैं वो हमारा घर होता है। ठीक है, उसे हम होम कहते हैं, घर कहते हैं। उसके अलावा ये 3 क्वेश्चन हैं, ये आपको आपकी नोटबुक पर कॉपी करने हैं, या आपको नोट्स में इनके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, दिस वन, बिल्डिंग मटीरियल। अब घर बिल्ड करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? होम्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। घर जो हैं वो अलग अलग तरह के मटीरियल से बनते हैं। सम आर मेड ऑफ मड, कुछ मिट्टी से बनते हैं। सम आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सैंड एंड सीमेंट, ईंट से, रेत से और सीमेंट से बनते हैं। सम आर मेड ऑफ वुड एंड स्ट्रॉ, कुछ लकड़ी से और स्ट्रॉ से बनते हैं। सम हैव पार्ट्स मेड ऑफ ग्लास एंड मेटल, घर के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो कि ग्लास और मेटल से भी बनते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के घर हैं। ये देखें, अब इनमें से आपका घर किस तरह का हो सकता है? क्या वो वुड और स्ट्रॉ से बना है, या वो मड से बना है, या फिर वो ब्रिक्स, सैंड और सीमेंट से बना है? ठीक है, हम सबको पता है कि हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ पर घर इस तरह के होते हैं, लाइक ब्रिक्स से बनते हैं। इस तरह के तो नहीं होते, लेकिन वो इन मटीरियल से बनते हैं, ब्रिक, ईंटों से, सैंड से एंड सीमेंट से। ठीक है, हमारे घरों का मटेरियल उसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं कि पोलैंड में एक ऐसा हाउस है जिसमें 152 सेंटीमीटर्स चौड़ा है? ठीक है, और जापान में एक ऐसा घर है जिसकी सारी दीवारें जो है वो ग्लास से बनी हुई हैं, शीशे की बनी हुई हैं। ठीक है, ये फैक्ट्स होते हैं जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है, ये याद रखने वाली बातें होती हैं। ओके क्लास वन, ये आपका यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 था। उसमें आपने ये वर्क पेज है, इस वर्क पेज में ये सब आपने इसी बुक पे करना है। ये देखिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये सेंटेंसेस को आपने कंप्लीट करना है इस घर को देखते हुए। ठीक है, और यहाँ पर आपने बताना है इन चीज़ों के नाम, नंबर, सिर्फ नंबर लिखने। ये ब्रिक है ना, तो ब्रिक यहाँ पर कौन से नंबर पर है? दिस वन, 2। यहाँ पर आपने 2 लिख देना है। इस तरह इन बॉक्सेज में आपने सिर्फ नंबर लिखने, इन चीज़ों के साथ जो नंबर लिखे, यहाँ पे अपना अपने घर का एड्रेस लिखना है। ठीक है, ये आपने इस बुक के ऊपर ही करना है। ओके क्लास 1, ये आपका यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 है। थैंक यू सो मच।